नमस्कार, हिंदू रिचुअल्स विद प्रणव पाठक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी नौ ग्रहों के कुछ विशिष्ट मंत्र, उनकी जाप संख्या और उस मंत्र द्वारा किस उपासना पद्धति से उस ग्रह देव को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सके उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले संक्षिप्त में उपासना पद्धति को जानते हैं। मित्रों, ग्रहों के मंत्र जाप, स्तोत्र या कवच का पाठ उसी ग्रह की दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो उसी ग्रह के रंग या कारक पदार्थ का आसन लेना चाहिए और इसी प्रकार माला भी ग्रह के रंग या कारक वस्तु की ही लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश इन नियमों का पालन ना हो सके तो दिन में अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूर्वाभिमुख होकर या रात्रि में अर्थात सूर्यास्त से सूर्योदय तक उत्तराभिमुख होकर मंत्र जाप करने चाहिए। और यदि शनि या राहु का जाप कर रहे हैं तो अंधेरे या रात में पश्चिमाभिमुख होकर करें। वैसे तो रुद्राक्ष की माला, मृगचर्म, कुशा या कंबल का आसन सब मंत्र जापों में प्रयुक्त हो सकते हैं, अपितु यदि आपको सभी नौ ग्रहों की दिशा, रंग तथा कारक पदार्थ आदि के विषय पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करें, आपको रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे मंत्र जाप के समय आदि के बारे में जानते हैं। मित्रों, सूर्य या गुरु के मंत्र जाप सूर्योदय के समय, मंगल या बुध के जाप अपराह्न यानी दोपहर के समय, राहु के जाप गोधूली वेला यानी सायंकाल में, केतु के मंत्र जाप उषाकाल या ब्रह्म मुहूर्त के समय तथा शनि के लिए रात्रि में अर्थात सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मंत्र जाप किया जाना अधिक प्रभावशाली होता है। अगर आप इसे मोटे तौर पर देखें तो शनि, राहु, शुक्र, चंद्र का जाप सूर्यास्त या इसके बाद अर्थात रात्रि में तथा केतु, सूर्य, मंगल और गुरु का सूर्योदय या इसके बाद अर्थात दिन के समय में करें और बुध का जाप आप दोनों समय में कभी भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे विषय पर, अर्थात ग्रहों के विशिष्ट मंत्र और उनकी जाप संख्या के बारे में जानते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में मैंने कुछ विशेष मंत्रों का संग्रह किया है जो ब्रह्मांड पुराण, तंत्र सार, मंत्र रत्न मंजूषा और मंत्र महोदधि जैसे ग्रंथों में मिलते हैं। इन मंत्रों की उपासना से हम ग्रहों की अनिष्टता को दूर करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए ग्रहराज आदित्य यानी सूर्य से शुरू करते हैं। तंत्र सारोक्त सूर्य मंत्र है, ओम ग्रहणेहि सूर्याय नमः। इसकी जप संख्या 7000 है, परंतु कलयुग में 4 गुना अर्थात 28000 हो जाएगी। तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। अन्य बीज मंत्र है, ओम ह्रीम राम सूर्याय नमः। इसकी जप संख्या है 7500। दूसरा एक मंत्र है, ओम ह्रीम ग्रहणेहि सूर्यादित्य ओम। इसकी जप संख्या है 28000। कलयुगी मंत्र है, ओम राम ह्रीम सूर्यादित्य ओम, और इसकी जप संख्या है 1,24,000। पीड़ाहर मंत्र है, ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषमस्थान संभूताम पीडाम हरतु मे रविः। और इसका पुराणोक्त मंत्र है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। चंद्रग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, जिसकी जप संख्या है 44000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। अन्य बीज मंत्र है, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः, जिसकी जप संख्या है 12500। कलयुगी मंत्र है, ओम घोम स्त्रोम सह चंद्र देवाय ओम, जिसकी मंत्र संख्या है 1,40,000। पीड़ाहर मंत्र है, ओम रोहिणी शह सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशन विषम स्थान संभूताम पीडाम हरतु मे विदुः। पुराणोक्त मंत्र है, ओम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। मंगल ग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, जिसकी जप संख्या है 40000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः,
एक अन्य बीज मंत्र है ओम ह्रम श्रीम भौमाय नमः, जिसकी जप संख्या है 15,000। कलियुगी मंत्र है ओम राम ह्रीम सह भौमाय भूमिपुत्राय ओम, जिसकी जप संख्या है 1,28,000। और पीड़ाहर मंत्र है ओम भूमिपुत्रो महातेजा जगताम भयकृत सदा वृष्टिकृत वृष्टिहर्ता च पीड़ाम हर तुमे कुजह। पुराणोक्त मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। बुध ग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः, जिसकी जप संख्या है 36,000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। एक अन्य बीज मंत्र है ओम ऐं श्रीं श्रौं बुधाय नमः, जिसकी जप संख्या है 21,500। कलियुगी मंत्र है ओम ह्रौं ह्रौं सह बुधाय ह्रौं ह्रौं ओम, जिसकी जप संख्या है 1,68,000। पीड़ाहर मंत्र है ओम उत्पात रूपोम जगताम चंद्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्य प्रिय करो विद्वान पीड़ाम हरतु मे बुधः। इसका पुराणोक्त मंत्र है ओम प्रियंगु कलिकाश्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। बृहस्पति ग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जिसकी जप संख्या है 76,000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रौम सह बृहस्पतये नमः। दूसरा एक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। अन्य बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पतये नमः, जिसकी जप संख्या है 20,000। कलियुगी मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम अंगिरा पुत्राय ह्रीम ओम, जिसकी जप संख्या है 1,64,000। पीड़ाहर मंत्र है ओम देव मंत्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेक शिष्य संपूर्णः पीड़ाम हरतु मे गुरुः। पुराणोक्त मंत्र है ओम देवानांच ऋषीणांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। शुक्र ग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, जिसकी जप संख्या है 64,000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अन्य बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, जिसकी जप संख्या है 25,000। कलियुगी मंत्र है ओम ह्रौम ह्रीम सह शुक्राय भृगुनंदनाय ह्रौम ह्रीम ओम, जिसकी जप संख्या है 1,80,000। पीड़ाहर मंत्र है ओम दैत्य मंत्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्तारा ग्रहाणां च पीड़ां हरतु मे भृगुः, जिसका पुराणोक्त मंत्र है ओम हिमकृंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शनिग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, जिसकी जप संख्या है 92,000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। अन्य एक बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनिश्चराय नमः, जिसकी जप संख्या है 19,000। कलियुगी मंत्र है ओम शौम शौम सह रविछाया पुत्राय शम सौम ओम, जिसकी मंत्र संख्या है 1,76,000। पीड़ाहर मंत्र है ओम सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनिः। और पुराणोक्त मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। राहु ग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है ओम राम राहवे नमः, जिसकी जप संख्या है 72,000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। अन्य बीज मंत्र है
ओम ऐम रीम राहवे नमः, जिसकी जप संख्या है 25,000। कलियुगी मंत्र है ओम छौम छाम छौम सह राहवे छौम छाम ओम, जिसकी जप संख्या है 1,72,000। पीड़ाहर मंत्र है ओम महाशीरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे शिखी। पुराणोक्त मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। केतु ग्रह तंत्र सारोक्त मंत्र है ओम केम केतवे नमः, जिसकी जप संख्या है 68,000। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। अन्य बीज मंत्र है ओम ह्रीम ऐम केतवे नमः, जिसकी जप संख्या है 22,500। कलियुगी मंत्र है ओम फोम फाम फोम सह केतवे फोम फाम फोम ओम, जिसकी जप संख्या है 1,28,000। पीड़ाहर मंत्र है ओम अनेक रूप वर्णैश्च शतशोथ सहस्त्रशः उत्पात रूपो जगताम पीडाम हरतु मे तमः। पुराणोक्त मंत्र है ओम पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। मित्रों, एक विशेष बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि यदि आप कर्मकांड आदि के ज्ञाता नहीं है तो कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ अनुष्ठान प्रयोग आदि करने से पहले किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण या अपने गुरु से परामर्श अवश्य करें। मित्रों, आगे मैं आपके लिए मंत्र की सिद्धि पुरस्चरण पंचांग पूजा आदि विषयों पर विस्तृत वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी के लिए जय परशुराम। मित्रों, ऐसे ही हमारे वेदों पुराणों और अन्य शास्त्रों में संकलित ज्ञान उपासना कर्मकांड एवं ज्योतिष के अद्वितीय विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन।